हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉइस ऑफ। माय नेम इज शिवशंकर हाजरा। तो रिसेंटली एशियन गेम फिनिश्ड है, दैट मीन्स हमें देखा जो हंजू सिटी थिला, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी, जेडी हमें देखा जो हमारा सांघाई अच्छी, सांघाईर साउथ रे अच्छी। तो साउथ ऑफ सांघाई दैट मीन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी दैट इज हंजू सिटी रे वर्तमान हमारे एशियन गेम्स सरी दैट वाज द व्हाट 19th एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स दैट केम्स टू एन एंड। सो इसमें जो 19th एडिशन था ये खत्म हुआ है। तो यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो क्वेश्चंस यदि देखिबा में कौन हो पारे वो क्वेश्चंस, साधारण तो क्वेश्चंस तुमको यदि पचार कि हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियन गेम, हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियन गेम दैट इज गुरुदत्त सोंधी। गुरुदत्त सोंधी वॉज द फाउंडर ऑफ एशियन गेम एंड द फर्स्ट एशियन गेम विच वॉज कंडक्टेड इन इंडिया न्यू डेली 1951। सो इट वॉज 1951 फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एशियन गेम वॉज कंडक्टेड इन इंडिया। एज ऑफ नाउ इंडिया हैज होस्टेड टू एशियन गेम, वन इन 1951 एंड द सेकेंड वन 1982। सो वॉट हैपन्स इफ वी बैक टू द हिस्ट्री ऑफ द एशियन गेम, वहां पे क्या हुआ है कि जब बहुत सारे आपको पता है कि एशियन मैक्सिमम एशियन कंट्रीज दे वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश, लेट्स से आप इंडिया ले लो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारे के सारे, दैट मीन्स जितने सारे कंट्रीज थे, मैक्सिमम कंट्रीज थे एशियन कंट्रीज, दे वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश। तो जब 1949 जब आते आते और 1945, आई वुड से बेटर टू से बाय 1945 आते आते बहुत सारे कंट्रीज ने अपनी फ्रीडम ले लिया था। इसके चलते तो ये गेम प्रपोज किया था जो हमने बोला कि गुरुदत्त सोंधी, इसने एक गेम प्रपोज किया कि ठीक है क्यों ना हम एक एशियन गेम किया जाए। तो एशियन गेम दैट वॉज, तो ये हुआ। तो जो एशियन गेम में मल्टीपल स्पोर्ट्स होता है, यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स होता है। अभी तो आप क्रिकेट भी आ गया, मतलब T20 भी इसमें आ गया, क्रिकेट भी ऐड हो गया, कबड्डी भी ऐड हो गया, क्रिकेट भी ऐड हो गया। तो आज आप ना अगर देखें बहुत सारे गेम्स भी ये इंक्लूड हो जाता है। ओके, तो इस साल का जो था ना ये हंजू पे था, चाइना पे था, जहां पे इंडिया आज ऑफ ना इंडिया हैज परफॉर्म The India in any edition, if you ask, let's say in which year of the Asian Games India got the maximum medal, this year India got the maximum medal, that is 107 with 28 gold medal. So this is the first time that India has ever that has got the maximum medals in the Asian Game. To सबसे मतलब सब उठा चुका Asian Games का medal 28 gold नहीं क्या सी चंदी। ओके, ये पूरा एशियन गेम्स मुझे तुमको देखिए जो SSC जो मैंने OAS पे दो, जो SSC पे दो, जो OASSC बैंकिंग वगैरह सब उतरे तुम मन को हेल्पफुल करीब। ये पूरा का पूरा लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट एडिशन इट वॉज कंडक्टेड 1951 पे इंडिया पे हुआ था, फिर ये 1982 पे इंडिया पे हुआ था, फिर इंडिया पे आज तक हुआ नहीं। ये जो एडिशन था ये आपका 19th एडिशन था जो हंजू सिटी चाइना पे हुआ था, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ चाइना। ये साउथ ऑफ शंघाई पे आता है, पूरा एकदम ईस्ट पास जो मतलब ईस्ट चाइना सी उसके सोर में आता है। एज ऑफ नाउ इस बार अगर हम देखेंगे और थोड़ा हिस्ट्री पे जाए तो अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दूसरा जो होगा 2026 में जो गेम होगा ये कहाँ पे होगा, ये जापान पे होगा। तो नेक्स्ट एडिशन जो होगा आपका, जिसको हम बोलेंगे कि 20th एडिशन जापान पे होगा, जापान का कौन सा सिटी पे होगा, नागोया एंड एची, एंड इट वुड बी एची, टू सिटी आपको याद रखना पड़ेगा, नागोया एंड एची। ये दीटा शहर है नागोया एची शहर है। नेक्स्ट एडिशन दैट इज द 20th एडिशन ऑफ द एशियन गेम विल बी कंडक्टेड देयर। तो आज ऑफ नाउ अगर हम हिस्ट्री पे जाए ना, आज तक इंडिया ने कितने मेडल्स, टोटल मेडल्स आज तक इंडिया ने कितने जीते हैं, 779 आज ऑफ नाउ सिंस द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स इट वॉज 1951 अप टू नाउ टू द 19th एडिशन, आज ऑफ नाउ वी हैव गॉट टोटल 779 मेडल। तो ये टोटल मेडल भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो मैं हिस्ट्री पे दिखा रहा हूँ ये आपका पूरा का पूरा आज तक सबसे मतलब ज्यादा मेडल चाइना के पास है, तो 799 टोटल मेडल आज तक। लेकिन इस साल जो हमें मिला है सबसे ज्यादा किसी एक साल में वो है 107।
इसका अगर हम देखेंगे अप टू 1980s तक, 1980 तक ये गेम को कौन चला रहा था? इट वाज द एशियन गेम फेडरेशन, इट वाज द फेडरेशन ऑफ द एशियन गेम। 1980, 1982, अब देखेंगे अप टू 1982, दिस गेम्स वाज कंडक्टेड बाय द फेडरेशन ऑफ द एशियन गेम। इट वाज कंडक्टेड बाय द फेडरेशन ऑफ द एशियन गेम। ओके, बट आपके हवा 1982 के बाद क्या हो गया, इसको कौन कंडक्ट करता है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि गेम को किए कंडक्ट करे। गेम को कंडक्ट कौन करे? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। दिस गेम इज बीइंग कंडक्टेड बाय ओलंपिक गेम्स ऑफ एशिया। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अप टू 1980s तक ये इस गेम को कौन चला रहा था? 1980s तक ये गेम को चला रहा था कौन? दिस गेम वॉज वट आई वुड से इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द एशियन गेम्स। इट वॉज वट दैट इज द वट फेडरेशन ऑफ द एशियन गेम। 1980 तक, 1982 तक दिस गेम वॉज कंडक्टेड बाय द एशियन गेम ऑफ फेडरेशन, बट उसके बाद दैट इज द ओलंपिक वट काउंसिल ऑफ एशिया ये चला रहा है, ये इसको कंडक्ट करता है। हर 4 साल में एक बार ये गेम कंडक्ट हो जाता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रही वो। टोटल इवेंट देखिए भाई, वर्षों कहते हैं इतना 481 टोटल इवेंट्स, 40 स्पोर्ट्स वेयर ऑर्गेनाइज, क्रिकेट भी इसमें आ गया, कबाडी भी आ गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो गेम वॉज इनागुरेटेड बाय द चाइनीज प्रेसिडेंट जिन जिनपिंग, क्लोजिंग सेरेमनी भी हो गया। ओके, इट वॉज द प्रेसिडेंट दैट इज द बट रणधीर सिंह, हु इज द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ही वॉज ऑल्सो देयर। इसमें इंपोर्टेंट डिटेल अगर हम देखेंगे, टॉर्च लाइट था, एक था जिसको हम बोलते हैं दैट इज वांग सू। ओके, ये था। मोटो क्या था? मोटा मोटो था हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। एम्ब्लेम क्या था? एम्ब्लेम था दैट इज बट सर्जिंग टाइड, सो सर्जिंग टाइड। मास्कट क्या था? मास्कट आप देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज बट कॉन्ग, दैट इज बट लियंग लियंग एंड चेन चेन, तो ये मास्कट था। मेडल्स दैट इज कॉल्ड एज बट सांसुई, मेडल्स आर कॉल्ड एज द सांसुई। मोस्ट मेडल्स गॉट बाई हूम? ओब्वियसली चाइना। इंडियाज परफॉर्मेंस 107, द फोर्थ रैंक इज द टोटल, दैट मीन्स इंडिया के पास फोर्थ रैंक है। तो ये देख सकते हैं आपका जो सांसुइंग टाइड, ये आपका हो गया एम्ब्लेम ऑफ द गेम, एम्ब्लेम ऑफ द गेम वांगजू पे आता, ये एम्ब्लेम ऑफ द गेम हो गया। यहाँ पे देखते हैं दैट इज द हंगजू 2022 एशियन गेम्स 19th एडिशन, ठीक है, 2022 एंड 2023। ओके, ये हो गया। तो रनिंग ट्रैक आप देख सकते हो यहाँ पे, रनिंग ट्रैक था, ट्रेडिशनल फैंस था। टाइड्स ऑफ द वट दैट इज द क्वेंगटेंग रिवर, तो दिस ये आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज वट क्वेंगटेंग रिवर। ओके, यहाँ पे आपको दैट मीन्स एंड आइकॉनिक रिवर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेडियो वेव्स, एडिशनल एम्ब्लेम्स इनकॉर्पोरेटेड रेडियो वेव सिग्निफाइज द मॉडर्न एंड द डायनेमिक स्पिरिट ऑफ द इवेंट। रनिंग ट्रैक जो था इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय द इमेजिनरी ऑफ द रनिंग ट्रैक सिंबलाइजिंग दैट इज एथलेट, दैट इज वट एथलेट एथलेटिज्म एंड कॉम्पिटिशन। इसके बाद अगर हम आएंगे यहाँ पे मास्कट आप देखते हैं, कॉन्ग कॉन्ग लियंग लियंग एंड चिंग चिंग, तो ये आप देख सकते हैं दीज आर द मास्कट्स, ये था, ठीक है। यहाँ पे बात अगर हम देखेंगे 2023 कॉन्ग कॉन्ग लियंग लियंग चिंग चिंग हमने देख लिया, ठीक हो ची। तापरे यदि हमें देखी बात दैट इज वट इट वुड बी जेंजियांग प्रोविंस, तो वांगजू सिटी, अगर आपको पूछ सकते हैं कौन सा सिटी पे हुआ था, वांगजू सिटी पे हुआ था, ये कौन सा प्रोविंस पे आता है, दैट इज बट जे, दैट इज बट जेलियांग प्रोविंस और द स्टेट, जेलियांग स्टेट ऑफ चाइना, ये ईस्टर्न कोस्ट पे है चाइना का। ओके, लियांग लियांग एम्बोडाइज द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, लियांग लियांग। चिंग चिंग का मतलब क्या होता है? हारमोनियस को एग्जिस्टेंस। ओके, और कॉन्ग कॉन्ग का मतलब होता है कल्चर एंड ट्रेडिशनल एंसेंट सिटी ऑफ हॉन्जू, तो कॉन्ग कॉन्ग अर्थात ट्रेडिशन, लियंग लियंग अर्थात इनोवेशन डायनेमिज्म, चिंग चिंग का मतलब हो गया हारमोनियस को एग्जिस्टेंस। तो ये आ गया। मोटो क्या हो गया? दैट इज द मेडल और सांसुई। ओके, ये दैट इज द वट लेक एंड माउंटेन, सो हार्ट टू हार्ट आर द फ्यूचर, मतलब लेक टू माउंटेन, सारे के सारे मेडल डिजाइन किया गया, मेडल्स डिजाइन दैट इज द एशियन गेम्स वॉज नेम दैट इज वट सांसुई, ठीक है। ये इसका ट्रांसलेट में क्या आता है? लेक एंड माउंटेन, तो सांसुई का मतलब क्या होता है? लेक्स एंड माउंटेन हो जाता है इसका मतलब। फिर आता है इंडिया इन एशियन गेम्स 2023, हमें अगर देखेंगे यहाँ पे टोटल हमारा था 661 एथलेट्स,
consisting 333 men's, 322 women's. वाओ दैट इज ऑसम, ये बहुत बढ़िया था। ये इसको ना आपको ये डेटा लिख लो, और जहाँ पे भी आप जैसे कि आप पीसीएस दे जाओ, जैसे ना पब्लिक सर्विस कमीशन आपका स्टेट का हो गया, जैसे बिहार वालों हो गया, यूपी वालों हो गया, झारखंड मध्य प्रदेश, यहाँ पे आना वुमन एम्पावरमेंट में, उड़ीसा का एग्जाम जैसे उड़ीसा पीसीएस हो गया, यहाँ पे वुमन एम्पावरमेंट पे आप लिख सकते हो। ठीक है, टोटल एथलेट्स जो जब खेलो इंडिया जो स्कीम था ना हमारा, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, जो खेलो इंडिया स्कीम जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोट कर रहा है कि यूथ के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप उसके चलते ना ज्यादा से ज्यादा एथलेट्स आके ज्यादा से ज्यादा भाग ले रहे हैं। डिफरेंट कॉम्पिटिशन 35 डिफरेंट स्पोर्ट्स पे गए थे हमारे टोटल 661 एथलेट्स, वहां पे 328 वुमेन्स वर देयर एंड 330 मेन्स वर देयर। सो केस इंडिया, दैट मीन्स जो भी होगा बहुत बढ़िया, मतलब इस बार का जो कंपटीशन था इंडिया का बहुत बढ़िया था, जो खिलाड़ी जो थे वो भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हैं उनकी तरफ से। जहाँ भी वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे चुके हैं, देखिएगा बहुत सारा गोल्स मिल जो हमको 28 गोल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, यू हैव बैक द हाईएस्ट एवर गोल्स ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द किंग्स इंडियन फ्लैग्स दैट इज व्हाट बियरर्स वे द हॉकी टीम कैप्टन दैट इज व्हाट हरमनप्रीत सिंह एंड द इंडियन बॉक्सर दैट इज लवली ना बोरगोहियन। सो टू दिस टू पर्सन यू हैव टू रिमेम्बर कि जो फ्लैग सेरेमनी है इतने से इतने किए थे हरमनप्रीत सिंह एंड दैट इज व्हाट बॉक्सर लवली ना। They had honored leading the Indian delegations into the grand event, symbolizing the pride and the unity of the Indian subcontinent. Contingent. In the closing ceremony of the game, the Indian flag bearers were that is the but P.R. Sirjesh, the goalkeeper of the Indian hockey team. He led the Indian athletes during the closing ceremony. एंड मार्किंग द कंक्लूजन ऑफ द इवेंट। तो ये दोनों का नाम आप प्रीलिम कहीं पे किसी भी एग्जाम बैंक हो गया एसएससी हो गया तो नाम लिख लो, दैट इज व्हाट लवलीना, दैट इज व्हाट हरमनप्रीत एंड दैट विड विथ पी आर श्रीजेस। गोल्ड कहाँ कहाँ किसको किसको मिला, चाइना को देखो सबसे ज्यादा गोल्ड 201 गोल्ड में, टोटल 11111 दैट इज व्हाट सिल्वर 71 ब्रोंज टोटल 383। इंडिया का रैंक देखो 107, सेकंड कम्स जापान, मतलब इसके आसपास भी कोई नहीं है चाइना का। देख लो साउथ कोरिया भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिया है इस बार, हालांकि गोल्ड थोड़ा कम है, मतलब चाइना तो वन मैन आर्मी जैसे, कजाकिस्तान भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चाइना देखें कि वो हर साल मतलब लगभग, मैं तो जब जब से देख रहा हूँ वो नंबर वन है, साउथ कोरिया जापान ठीक ठाक है, इन्होंने हो गया। तो इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात है कि फॉर द फर्स्ट टाइम सो वी आर द गुड थिंग इज दैट वी आर प्रोग्रेसिंग विद आवर टोटल मेडल इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट फील्ड एज वेल, मतलब जैसे कि जैवलिन आ गया, अब कबड्डी में इस बार मिल गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, जो भी है मतलब ठीक ठाक है परफॉर्मेंस इंडिया, मतलब इंडिया बेस्ट परफॉर्मेंस आज तक का था। तो अगर हम देखेंगे 1951 पे गेम का शुरुआत हुआ था, एज ऑफ नाउ 19th एडिशन खत्म हो गया और इंडिया सबसे अच्छा था। आउटस्टैंडिंग मेडल एशियन गेम्स से हम देखेंगे हमारे पास कितने गोल्स हैं, ये टोटल मेडल आ गए 107 आ गए, उसमें से 28 गोल्ड से, 38 सिल्वर से, 41 ब्रॉन्ज हो गया हमें, ठीक है, ये सारे तो हमें मिल गया। उसके अगर हम देखेंगे कि दैट मीन्स हमारा जो रैंक आता है फोर्थ पे आता है, ओवरऑल रैंक पे आता है, तो इसको थोड़ा हम देखेंगे इस बार गोल्ड कहाँ कहाँ का मिला। जैसे गोल्ड देखो आप शूटिंग पे मिला है, क्रिकेट के भी मिला है, वुमेन्स टीम क्रिकेट में दो मिला है, एक तो वुमेन्स को T20 और एक मेंस। शूटिंग में आप देख रहे थे मेंस मेंस में मिला है दैट इज बट दिव्यांश पनवार, दैट इज बट ऐश्वर्या तुमार एंड रुद्राक्ष पटेल। क्रिकेट में भी मिल गया दैट इज बट हरमनप्रीत कौर कैप्टन था, जिनको भी हमें क्रिकेट में मिल गया, दैट मीन्स बट इक्वेस्ट्रियंस इनको भी मिल गया, शूटिंग वुमेन्स मेन्स दोनों पे मिल गया। शूटिंग वुमेन्स बा शूटिंग पे वुमेन्स दे हैव परफॉर्म प्रेटी वेल, तो वुमेन्स देख लो दो दो गोल्ड मेडल शूटिंग पे लाए, मेन्स तो एक है। फिर हम शूटिंग पे और एक बार मेन्स ये भी मिल गया, मेन्स पे और एक मिल गया, वुमेन्स भी मिल गया, तो शूटिंग पे 6 गोल्ड मेडल हम लेके आए। तो शूटिंग इंडिया इज परफॉर्मिंग बहुत बढ़िया शूटिंग पे, तो सबसे ज्यादा हमें शूटिंग पे आया है। फिर हम टेनिस पे देख लो, टेनिस पे डबल मिक्स पे आएगा, रोहन बोपन्ना एंड ऋतुराज भोंसले इनको मिल गया, स्क्वाश पे मिल गया, शूटिंग फॉर और एक बार शूटिंग पे आए, तो शूटिंग पे 7 गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा, एथलेट्स एथलेट एथलेट्स एथलेट्स 4 आपको एथलेट्स पे मिल गया। उसमें से अगर हम देखेंगे मेंस 3000 मीटर आ गया, शॉट पुट आ गया, फिर आ गया दैट इज व्हाट दिस तेजिंदर सिंह, इनको शॉट पुट पे मिल गया, ये पिछले बार भी इनको मिला था। तो वुमेन्स 500 मीटर इनका नाम लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनु रानी एंड
पारुल चौधरी, इनको आप लिख लो एथलेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ये पूछ सकते हैं आपको। जैवलिन पे आपको पता है, एंड जैवलिन दैट इज अनु रानी जैवलिन, सो दैट मीन्स जैवलिन सबको पता है कि दो मतलब द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तो आपको सबको पता है। लेकिन अनु रानी वुमेन्स पे आ गए भाई, इसको याद कर लो। फिर आपके पारुल चौधरी, ये आ गया मतलब एथलेट्स पे, बहुत बढ़िया है, मतलब दे हैव परफॉर्म प्रेटी वेल। फिर आर्चरी पे आ गया एथलेट्स, एथलेट्स तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिला है, शूटिंग पे मिला है, ये याद कर लो। उसके बाद आता है आपका कौन सा, एथलेट्स आता है। तो फिर हम आते हैं फिर आर्चरी, आर्चरी हॉकी पे भी आपको मिल गया, हॉकी मेंस को भी मिल गया, आर्चरी आर्चरी मिल गया, कॉबड्डी क्रिकेट दो मेंस भी मिला है, वुमेन्स को मिला, कबड्डी को मिला है, कबड्डी भी दो मेंस एंड वुमेन्स, बहुत बढ़िया। तो दैट मीन्स हाईएस्ट गोल हमें कौन सा सेक्टर पे है, शूटिंग पे आया है, ठीक है। तो बहुत बड़ा एफर्ट था इस बार हमारे तरफ से, एंड वी होप कि इंडिया आगे जो मतलब लंदन ओलंपिक होगा वहाँ पे मतलब हमारे तरफ से जो भी मतलब एथलेट्स है, आमर जितने एथलेट्स अच्छी दे विल ऑल्सो परफॉर्म, एंड इट वॉज ऑल्सो ए प्राइड मोमेंट फॉर ऑस दैट वट दैट बॉय। जस्ट मिनट, सो ये भी ये बहुत बढ़िया हम भी प्राइड और मूवमेंट फॉर उड़ीसा के लिए अगर हम देखेंगे, दैट जेना जो सिल्वर मिला है हमें जैवलिन पे, दैट जैवलिन पे जो सिल्वर मिला है दैट जेना फ्रॉम उड़ीसा, तो वो भी ना बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने भी दिया है। तो टॉर्च लाइट क्रिकेट इंक्लूड किया गया इसमें, हिस्टोरिक जैवलिन गोल्ड हमें मिल गया, क्रिकेट का इंक्लूड हुआ है, ये आपको पूछ सकता है कि जो 23 एडिशन था यहाँ पे क्रिकेट को इंक्लूड किया है। टॉर्च लाइट चाइनीज स्विमर्स स्वांगसू हैड द ऑनर ऑफ बींग द टॉर्च लाइटर्स द एशियन गेम्स, ये बहुत बड़ा इवेंट था हमारे लिए। पारुल चौधरी डबल्स, इंडियन एथलेट्स पारुल चौधरी अचीव ए नोटेबल फीट्स विनिंग द गोल्ड मेडल्स इन द इवेंट, सो दो दो गोल्ड इनको मिला है। सो पारुल 500 मीटर इवेंट ए सिल्वर मिला है उनको, और 300 मीटर्स का उनको मिला है गोल्ड। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे गोल्ड 500 मीटर के मिला है, ओके, विनिंग द गोल्ड मेडल एंड सिल्वर मेडल 3000 मीटर पे, तो दोनों दोनों गोल्ड, मतलब इनको सिल्वर भी मिला है गोल्ड भी मिला। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय वो तो सबको पता है, ठीक है। इनाग्रेशन जब 1951 पे इंडिया पे हुआ था, ये तो सबको मैंने पहले से बता दिया। गेम का हिस्ट्री मैंने आपको बोल दिया कि एशियन गेम्स, ये एशियन गेम को स्टार्ट हिटला दैट वाज मार्च 11, 1951 इंडिया स्टार्ट हिटला मल्टी स्पोर्ट्स है एशियन गेम्स थिला। आ फादर मु तुमको ऑलरेडी कही फादर इज बट गुरु दत्त दैट इज बट बोंधी गुरु दत्त बोंधी सक्सेसफुल दैट मीन्स हम के बा। बट हाँ ध्यान से मत करो, 2010 पे जो हुआ था ना वो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था न्यू दिल्ली पे, दैट वाज नॉट एशियन गेम। तो ये था आपका एमसीक्यू भी, मैंने बोल दिया थोड़ा बहुत, हाँ कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, बहुत बढ़िया था ये सेशन, आप लोग देख लो, दैट वुड बी बहुत रहेगा आपका, हर एक गेम पे काम पे आएगा एग्जाम पे। सो थैंक यू ऑल। हाँ ये एक बात आप लोग शेयर कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, विद दिस आई विल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे टू ऑल।